राम राम जी, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और मैं यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ अपने चैनल फरीदाबाद व्लॉगर सुनीता चौधरी। और ये सुबह सुबह का है, जब पूर्वी स्कूल जा रही थी तो मैं उसे तैयार कर रही हूँ यहाँ पे स्कूल जाने के लिए। और उसके जो है स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहे हैं, तो इस टाइम जो है यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाते, स्कूल वाली वर्दी है वो नहीं पहन के जाते हैं, तो यहाँ पे लोवर टी शर्ट डाल के जानी होती है बच्चों को। ये पूरा वीक ऐसा ही, पूरा सप्ताह ऐसे ही निकलेगा। बच्चों के स्कूल में जो सब स्पोर्ट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पूर्वी को तैयार कर देती हूँ, कि सुबह जो है उसे 7:40 पे स्कूल जाना होता है, तो तब तक मैं उसे यहाँ पे तैयार करना होता है। तो उसे जो है कपड़े मैंने पहना दिए हैं, और अब मैं उसके जो आई कार्ड है, शूज़ वगैरह हैं, वो भी पहना दूँगी। और फिर उसके बाद उसका लंच सब कुछ रेडी कर दूँगी, वो रख दूँगी उसका लंच वगैरह बैग भी। और पूरब की भी सुबह सुबह ये ज़िद होती है मुझे भी स्कूल जाना है। और उसके बाद पूर्वी को जो है दूध वगैरह देना, नाश्ता देना, वो सब होता है, ये सुबह सुबह का काम होता है। और यहाँ पे पूरब भी जो है अपनी मस्ती में लगा हुआ है, और वो उसे भी रहता है कि मुझे भी तैयार करो, सुबह सुबह मुझे भी नहलाओ। और यहाँ पे मम्मी जो है गेहूँ छान रही हैं, तो बच्चों ने ये क्लिप बनाई है, बच्चे लेके आए हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। मम्मी यहाँ पे गेहूँ छान रही हैं, क्योंकि जो है गाय भैंसों के लिए दलिया पीसा जाएगा, तो दलिया पीसने के लिए जो गेहूँ है उन्हें साफ़ कर रही हैं सुबह सुबह ही जो है। और इधर पापा जी ने जो है चक्की चला रखी है, वो यहाँ पे पीस रहे हैं। और हमारी चक्की जो पहले वाली जो थी वो ही है, और बहुत ही सीधे लोग होते हैं गाँव के, तो उस तरह ही मेरे जो सास ससुर हैं दोनों ही बहुत सीधे हैं, और बहुत ही हंस रहे हैं वो वीडियो बनवाने में। और यहाँ से छत से जो है कुछ ऐसा व्यू है मेरे घर का, ये मेरे घर का आंगन है जिसमें हरियाली हरियाली आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल गांव वाला आंगन है सब कुछ। और फिर मैं आ जाती हूँ छत पे, और यहाँ पे हम थापते हैं उपला। उपले जो होते बहुत ही काम आते हैं, और ये गाय और भैंस के गोबर से बनाते हैं हम इन्हें। और सर्दी इन्हें थापा जाता है, गर्मियों में नहीं थापते हैं, तो वो ही मैं यहाँ पे बनाऊंगी। हर जगह इनका अलग अलग नाम होता है, कहीं इनको कंडे बोलते हैं, कहीं ऊपरा बोलते हैं, कहीं उपले बोलते हैं। और मुझे कमेंट में बताना अगर आप लोग इसे इन्हें क्या बोलते हो, तो हमारे यहाँ पर तो इनको ऊपरा बोलते हैं, ऊपरे, और वैसे बोले तो उपला। तो वो ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। गाय और भैंसों का जो गोबर होता है उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर मैं सारा गोबर को छत पे लेके आती हूँ, और फिर यहाँ पे जो है मैं इसको थापती हूँ। और यहाँ पे मैं जो गोबर है इस तरह से थापती हूँ, पहले मैं उनको बना लेती हूँ एक साथ, जो ये हम गोंदा बोलते हैं जिसे मैं बना रही हूँ, और फिर इनको हथेलियों से हाथ से इनको जो फैला देंगे, तो उसी से हमारे यहाँ पे उपला बन जाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही काम आते हैं, हमें जैसे खाना बनाना होता है चूल्हे पे, या हम गाय भैंसों के लिए दलिया बनने के लिए रखते हैं चूल्हे हार अंगीठी पे, तो भी हमको ये चाहिए होते हैं। और मेरे जो ससुर हैं पापा जी, वो हुक्का पीते हैं, तो उसके लिए भी आँच सिलगा के रखते हैं, तो उसमें भी ये काम आते हैं। और आपको थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही होगी पीछे, तो प्लीज़ माइंड मत करना, उसको इग्नोर कर देना। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम, सड़क से जो है बहुत बड़े बड़े ट्रक डंपर वगैरह निकल रहे हैं, और मेरा घर जो है सड़क पर है, तो यहाँ आवाज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं जो सारा गोबर है उसे इस तरह से थाप लेती हूँ। ये सुबह सुबह जो है मैं शाम का सुबह का सारा गोबर इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो सुबह के टाइम में इसे थापती हूँ।
और आप भी प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और आप प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिनको भी मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं इस तरह से, मैंने पहले आधा गोबर जो है उसके गोंदे बना लिए इस तरह से, फिर उनको उनकी जगह डाल दिया है, फिर उन्हें मैं जो है इस तरह से थाप दूँगी, और उसके बाद फिर मैं जो बाकी का बचा हुआ गोबर है उसको भी थाप लूँगी। और गाय के गोबर जो के उपले हम अलग भी बनाते हैं, क्योंकि उनका ना हवन में, और जैसे हम सामग्री वगैरह घर लगाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं वो, और हम सर्दियों में उपले पाते हैं, बाकी के टाइम जो गोबर जो होता है उन्हें हम अपने खेत में डालते हैं, क्योंकि हमारे खेत में जो है वो खाद का काम करते हैं, और हम अपने खेतों में ज़्यादा खाद दवाई वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, हम ऑर्गेनिक तरीके से हम सब्जी वगैरह लगाते हैं तो उसमें हम गोबर की खाद को ही उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ मैंने इतने जो है उपले, हमारे जब से सर्दी दशहरे से शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे ये जो सूखे हुए हैं वो खड़े कर दिए एक साइड, और जो गीले वाले हैं वो अभी यहाँ पे थापे हुए हैं। तो जब ये सूख जाते हैं तो इनको उठा लेते हैं, और फिर जितने भी सूखते जाते हैं फिर इनका हम बिटोरा रख देते हैं, बिटोरा बोलते हैं हम तो, मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो। तो इधर हरियाली है, खेत ही खेत है हमारे घर के पीछे इधर, और इधर सड़क है, तो यहाँ का व्यू जो सुबह सुबह का बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर मेरा गोबर जो थप गया है, फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, और ये दोपहर के टाइम मैंने बनाई थी चीला,
और ये जो मैं चीला बना रही हूँ मीठा वाला है। मीठा वाला जैसे आटे में, आटे को हम चीनी वाले पानी में घोल लेते हैं और फिर तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के और उसमें जो ये बनाया है फिर उसे फैला लेते हैं और बिल्कुल पतला पतला फैला लेते हैं जैसे रोटियां बनाते हैं उस तरह से, और फिर इसे दोनों साइड से सेक लेते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको कैसे लगे हैं। और पुए भी बनते हैं, पुए जो हैं तेल में ही उतारे जाते हैं और इनमें तेल थोड़ा कम लगता है, मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, आप कम भी यूज़ कर सकते हो। और इनको इस तरह से पलटे की सहायता से ऐसे पलट पलट के दोनों साइड से सेक लेते हैं और फिर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो यहाँ मैंने दोपहर के टाइम जो है चीले बना लिए थे मीठे वाले, और आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है इनका, एक तरफ से बहुत ही अच्छे सिक चुके हैं। और इसी तरह से मैं दोनों साइड से सेक लेती हूँ और फिर जो है चीला जो है इस तरह से तैयार हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, साथ ही बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं, इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसी तरह जो है मैं सारे चीले जो है मीठे वाले उतार लेती हूँ और आपको और भी अच्छे आते होंगे मुझसे, मैं ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे बनाने आते हैं, आपको तो इससे भी ज़्यादा अच्छे आते होंगे बनाने। तो मैंने कैसे चीले बनाए हैं मुझे ज़रूर बताना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन के साथ, बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर उसे दबाओगे तो आपको जो भी मेरी आगे नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सारे चीले सेक लेती हूँ, तो आप भी खा लीजिए चीले मीठे वाले। और यहाँ पे बस थोड़े ही बचे हैं, मैंने सारे बना लिए हैं, तो यहीं पे मैं जो आज की वीडियो का भी एंड यहीं पे कर देती हूँ और आपसे मैं जो है बात नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए सॉरी। और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड टेक केयर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।